सो हे गाइस, आई होप करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अवनीश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो सैनिक स्कूल बालाछड़ी, उसकी पूरी डिटेल और उसके फीस स्ट्रक्चर और अदर एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब मैं आपको बताऊँगा और फैसिलिटीज़ तो पक्का ही बताऊँगा। तो वीडियो से पूरा अंत तक जुड़े रहिए और पूरा स्टार्ट से एंड तक देखिए, तभी जो है आप पता कर पाएंगे उसकी डिटेल, उसकी फैसिलिटीज़ और उसके अदर एक्टिविटीज़ क्या है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आएँ तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और सही से बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस, चलते हैं अपने सैनिक स्कूल बालाछड़ी के डिटेल पे। तो गाइस, अब मैं आपको बता दूँ सैनिक स्कूल बालाछड़ी और उसका एड्रेस। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो एड्रेस है उसका सैनिक स्कूल बालाछड़ी रोड, बालाछड़ी, गुजरात। तो ये गुजरात में है और गुजरात भी बहुत अच्छी जगह भी है दोस्तों। तो अगर आप फॉर्म भरोगे तो यहाँ आपको फॉर्म भरना है या नहीं, उसके लिए मैं आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से बताऊंगा, तो आप देख लेना। तो गाइस, चलते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मोटो। तो मोटो है हमारा योगः कर्मासु कुशलम। तो ये इसका मोटो है और इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी काम करने जाते हो तो उसको शांत मन से किया करो और उस कर देते हो तो आपका जो काम है उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी, और अगर आप शांत मन से नहीं करते हो तो उसमें रुकावट हो सकेगी, आ सकती है। इसका मतलब ये है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं, तो मोटो के बाद आता है इस्टेब्लिश डेट। तो इस्टेब्लिश डेट है 1 जुलाई 1961। इस दिन ये स्कूल खुला था और यहाँ से चलने लगा था। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है फाउंडर। उसके फाउंडर कौन थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिसके फाउंडर थे वी के कृष्णा मेनन। अब और इसमें ग्रेड्स कितने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ग्रेड्स इसमें 6 to 12, और जो 6 to 12 के बच्चे पढ़ते हैं वो कितनी एज के होते हैं, कौन सी एज से कौन सी एज तक होते हैं, तो 10 to 18 years, टोटल 10 to 18 years के बच्चे जो हैं इसमें स्टडी करते हैं, और इससे ना ही अबव और ना ही बिलो, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो 10 और 18 से बिलो या अबव हो। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा जेंडर। तो जेंडर है मेल या फीमेल, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये जो है इसके जेंडर हैं। और गाइस, आगे बढ़ते हैं, तो आगे है कि इसमें भी NDA है, उसमें जो इसने कैंडिडेट दिए हैं वो कितने दिए हैं, और इसमें जो पढ़ाई होती है NDA की वो भी बहुत अच्छी होती है, मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें बहुत ही अच्छी होती है। और इसने अभी तक जितने भी बच्चे दिए हैं वो दिए हैं 590 स्टूडेंट्स बच्चे दिए हैं। बहुत ही गर्व की बात है कि इसने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स दिए हैं और बहुत अच्छे इसने नंबर भी स्टूडेंट्स ने जो है लिए हैं अच्छे नंबर भी। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, तो कैंपस साइज़ आता है। तो इसका कैंपस साइज़ है 375 एकड़। यहाँ 375 एकड़ बहुत चौंकने वाली बात है और बहुत ही ज़्यादा है। आप इसमें तो ढंग से मेरे हिसाब से आप पूरा चल भी नहीं पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा है। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है इसका बोर्ड। तो ये बोर्ड कौन सा है, CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो इसका बोर्ड है। और आप इसके हाउसेस बताए थे दोस्तों, तो बड़े ध्यान से सुनना इसके हाउसेस। तो पहला हाउस है इसका प्रताप हाउस, उसके बाद गरुणा हाउस, उसके बाद नेहरू हाउस, अंग्रे हाउस, सरदार पटेल हाउस, शास्त्री हाउस, शिवाजी हाउस और टैगोर हाउस। तो ये थे इसके हाउस। अब बात करते हैं इसकी वेबसाइट की। तो वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर कोई भी दिक्कत है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी सैनिक स्कूल बालाछड़ी का दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, अब आगे बढ़ते, तो आगे आता है इसका सेंटर। तो अब सेंटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनना कि जो इसका सेंटर होता है वो कहाँ कहाँ आता है। जब आप फॉर्म भरने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर कहाँ का है, तभी हम अपने बच्चे का जो है एग्ज़ाम दिला पाएंगे, कहाँ हमको जाना है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला सेंटर है इसका बालाछड़ी, और सूरत, साहिबोग, जामनगर, और उसके बाद है महिदापुर जो है इसका सेंटर। अब आपने ये सेंटर सुन लिए होंगे, मैं आपको एक और बार रिपीट कर देता हूँ, बालाछड़ी, सूरत, साहिबोग, जामनगर और महिदापुर। अब आपने ये क्लियर कर लिया होगा। अब आपको आखिरी चीज़ बता रहा हूँ, आखिरी जो है बता रहा हूँ वो है फीस स्ट्रक्चर। अब बता देता हूँ, जो फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँगा वो डिफेंस और सिविलियन दोनों के लिए है, लेकिन वो कास्ट वाइज बताऊँगा। तो डिफेंस और सिविलियन जो जनरल में है उनके लिए है 1,25,698 ओनली।
और जो ST में है SC ST में, और डिफेंस और सिविलियन दोनों ही हैं, वो है उनकी जो फीस है वो है 1,24,198 rupees ओनली। गाइस आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको कोई भी दिक्कत है तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पर से आप किसी भी एक से कॉन्टेक्ट करके हम जो है बात कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।